लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज का टॉपिक है खरबूजा खाने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो। खरबूजा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और विटामिन सी आदि पाया जाता है। इसको खाने से इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। खरबूजा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसका मीठा स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं खरबूजा खाने के बाद कई चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए? खरबूजा खाने के बाद इन चीज़ों को खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। खरबूजा खाने के बाद इन चीज़ों को खाने से बचें। तुरंत पानी ना पिएं। जी हाँ, खरबूजा खाने के बाद तुरंत पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हैजा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में खरबूजा खाने के बाद पानी पीने से बचें। खरबूजा में 95% पानी होता है, जो गर्मी से शरीर का बचाव करता है। दूसरा, खरबूजा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसको खाने से पहले ध्यान दें कि इसे खाली पेट ना खाएं। खाली पेट खाने से कई तरह की समस्याएं होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खाली पेट खाने से डायरिया की समस्या भी हो सकती है। तीसरा, खरबूजा शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें इसको खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बचें। खरबूजा खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से पेट में मरोड़ और अपच की समस्या हो सकती है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खरबूजा खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। अगला, खरबूजा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को कई तरह के फायदे भी देता है, लेकिन इसको खाते समय ध्यान दें कि इसमें कई फलों के साथ मिलाकर ना खाएं। खरबूजा की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में इसे अलग तासीर के फलों के साथ खाने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। खरबूजा शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसको रात में खाने से बचना चाहिए। रात में खरबूजा खाने से पचने में परेशानी हो सकती है और ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में शरीर को हेल्दी रखने के लिए रात में खरबूजा खाने से बचें। रात में खरबूजा आप नहीं खाना है। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको नहीं खाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।